दोस्तों, विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच हुए बवाल पर ड्रामा खत्म ही नहीं हो रहा है। दरअसल 1 मई को हुई इस भिड़ंत के बाद से ही तरह तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। एक तरफ जहां दोनों के फैंस विराट और गंभीर को डिफेंड कर रहे हैं, वहीं पूर्व क्रिकेटर्स ने लगातार दोनों के रवैया पर सवाल खड़ा किया है। इस लिस्ट में वीरेंद्र सहवाग भी शामिल है। हालांकि वीर पाजी की टिप्पणी पर ट्विटर पर खूब बवाल हुआ है। फैंस ने वीर के बयान के बाद उनकी क्लास लगा दी। क्या है पूरा मामला बताते हैं। दरअसल दोस्तों, विराट गंभीर के बीच हुए झगड़े के बाद वीर ने क्रिकेट से कहा था कि मैं हमेशा एक बात कहता हूं, ये लोग देश के बच्चों के लिए आइकन्स हैं। अगर वो कुछ कहते हैं या करते हैं तो बच्चे सोचेंगे कि मेरे आइकन ने ये किया है, मैं भी यही करूंगा। जब आप मैदान पर होते हैं तब ऐसी चीजें अच्छी नहीं होती। मेरे बच्चे लिप रीड करना जानते हैं और वो बेन स्टोक्स अच्छे से समझते हैं। मुझे उस वक्त खराब लगता है। बेन स्टोक्स का क्या मतलब है ये आप खुद समझ लीजिए। खैर दोस्तों, वीर के इस कमेंट पर ट्विटर की जनता का गुस्सा फूट गया। सहवाग अकेले ऐसे क्रिकेटर नहीं है जिन्होंने विराट गंभीर पर इससे कड़ी सजा की मांग की थी। भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने भी कहा था कि 100% मैच फी काट लेना काफी नहीं है। BCCI को इन दोनों पर बैन लगाना चाहिए ताकि फिर ऐसे झगड़े ना हो। इस पर आपका विचार क्या है हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आप भी क्रिकेट देखना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल अपना कप को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।